तो फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस के ऑटो वर्क्स में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो स्कूटी एक्टिवा है इसमें जो प्रॉब्लम आई थी ये था एक्सीडेंट का, बहुत ही गंदे तरीके से इसका एक्सीडेंट हो चुका था, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि किस लापरवाही से इसका जो एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। आप देखोगे फ्रेंड इसकी जो बिल्कुल ये डैमेज हो चुका है और ये साथ ही साथ जो इसका बॉडी होता है बिल्कुल अलग अलग हो चुका है, ठीक है। आखिर मैं इसमें बताऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या आई थी जिसके वजह से ये जो स्कूटी है बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हो चुका है। और साथ ही साथ इसकी जैसे हम चलाते थे फ्रेंड तो एक साइड को बहुत ही ज़्यादा खींचती थी, वो है राइट साइड। जैसे आप स्कूटी चलाओगे फ्रेंड तो ऐसा लगेगा कि राइट साइड की तरफ आपकी जो स्कूटी है दबी जा रही है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो आप चिमटा देख रहे हो फ्रेंड ये जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस पर, क्योंकि थोड़ी सी स्कूटी अगर आप गिरेगी तो सबसे ज़्यादा इस पर डैमेज होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेंड हो जाता है जिसके वजह से आपकी स्कूटी है एक तरफ को खींचने लगेगी। साथ ही साथ फ्रेंड आप देखोगे इसकी जो बूस होता है फ्रेंड इसका बूस भी कटा पड़ा है बिल्कुल ही, जिसके वजह से ये जो स्कूटी थी आगे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बबलिंग मार रही थी। तो आखिर फ्रेंड ये किस कारण होता है जिसके वजह से स्कूटी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है। फ्रेंड आप देखोगे फ्रेंड जब भी आप स्कूटी खासकर चलाओगे एक्टिवा में तो इसमें आजकल कंपनी कॉम्बी ब्रेक दे रखी है। कॉम्बी ब्रेक में होता क्या कि जिस तरीके से आप अगर ब्रेक दबाओगे फ्रेंड तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे कि ये भी एक्टिवा स्कूटी है, ये जो है रियर वाला ब्रेक जैसे आप दबाओगे फ्रेंड तो आपका जो फ्रंट वाला ब्रेक का वायर है वो भी काम करना चाहिए, ये होता है कॉम्बी कनेक्शन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फ्रेंड आपकी जो स्कूटी है बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हो सकता है। जब ये जो है कंपनी फ्रेंड आप देखोगे यहाँ पे डबल वायर का कनेक्शन देती है, खासकर एक्टिवा में मिलेगा आपको, आजकल जितनी भी नई बाइक आ रही है सब में कॉम्बी कनेक्शन आपको यहाँ पे लगा लगाया मिल जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा आपकी स्कूटी में तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो डबल वायर है ये आपका रियर वाला भी है कनेक्ट इसमें और फ्रंट वाला भी है, जिससे कि ये होता है कि फ्रेंड आपकी जो स्कूटी है खासकर स्कूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर गिरती नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हो पाता जब भी इसके लिए ये कॉम्बी ब्रेक दिया जाता है। साथ ही साथ एक बार और बताऊंगा फ्रेंड, अगर आपकी टायर जो है फ्रेंड स्कूटी का या बाइक का अगर बहुत ही ज़्यादा गंजा हो चुका है आगे से, आप देखोगे ये जो इसमें जो है लाइनिंग ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभार होता क्या है किसी बाइक की स्कूटी में इसकी जो लाइनिंग होती है बिल्कुल ही मिट चुका होता है फ्रेंड, तो उसके वजह से भी आपकी जो स्कूटी है फ्रेंड गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड उसको भी आप टाइम टू टाइम इसमें चेंज करवा दे, लगभग आपकी जो टायर की कैपेसिटी है 35 से 40 हज़ार ही होता है, उसके बाद आप उसको चेंज करवा दे फ्रेंड। तो ये तमाम जो जानकारी थी फ्रेंड मैं आपको देना था, क्योंकि इसकी वजह से ही एक्सीडेंट होता है खासकर गाड़ियों का, जो भी आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो ये छोटी छोटी जो लापरवाही होती है जिसके वजह से आपकी जो बाइक का या स्कूटी का बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रेंड इसको खासकर ध्यान दें। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके खर्चा की, आखिर कितना खर्चा आएगा कि आखिर जो आपकी स्कूटी ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। अगर आपकी स्कूटी जो है राइट साइड को भाग रही है तो उसे कितने में आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड अगर आपकी स्कूटी लेफ्ट साइड या राइट साइड भाग रही है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो चिमटा है फ्रेंड वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, चाहे बाइक हो या चाहे स्कूटी हो। और खर्चा की बात करते लगभग आप 1000 रुपये मान के चलो, क्योंकि लेबर वगैरह ले ला के फ्रेंड 1000 रुपये अगर आप बाहर काम करवाते हो तो इतना लग जाता है, अगर आप शोरूम वगैरह में काम करवाते हो फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आपको पे करना चार्ज लगता है फ्रेंड। इसमें होगा क्या है फ्रेंड की यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड कि अगर आप बाहर काम करवाते हो तो आपको थोड़ा बहुत पैसे कम वगैरह ज़्यादा वगैरह कर करा के आप देख सकते हो, बट जैसे ही आप शोरूम में अगर काम करोगे वहाँ पे फ्रेंड GST वगैरह ले ला के बहुत ही ज़्यादा आपको पे करना होता है फ्रेंड, ठीक है। अगर सीधी बात की जाए तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पे अगर काम करवाओगे लोकल मैकेनिक के पास करवाओगे काम तो वहाँ पे होता क्या है फ्रेंड कि आपको पे उतना ही करना पड़ेगा जितना वो मांगता है, बट जैसे आपको अगर शोरूम वगैरह में काम करवाना पड़ेगा तो वहाँ पे चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पे आप काम करवाओगे लोकल दुकानों पर तो यहाँ पे सेम वही काम होगा जो आपके कंपनी में काम होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जहाँ भी काम करवाना चाहोगे फ्रेंड, आपको जहाँ भी सुटेबल लगता है जहाँ भी आपको काम अच्छा लगता है वहाँ पर आप अपनी स्कूटी या बाइक की काम करवा सकते हो। तो फ्रेंड यही छोटी सी जानकारी आपको देना था कि खासकर स्कूटियों के एक्सीडेंट किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है। तो आई होप आपको ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताया फ्रेंड आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।